दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो महाराष्ट्र की नई नवेली सरकार के लिए ना खतरे की घंटी हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि जो कहा जा रहा है कि सीएम शिवसेना का है वो गलत है, एकनाथ शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। तो अगर शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है तो शिंदे कौन है? शिंदे ने शिवसेना से बगावत करके सरकार गिरा दी, समझ गए, सीएम बन गए, समझ गए। लेकिन अब तक ना तो वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, ना उन्होंने अपना कोई नया दल बनाया है और ना ही उन्होंने अपने बागियों का विलय किसी पार्टी में किया। तो फिर सीएम बनने के बाद भी क्या शिंदे बस बागी के तौर पर ही जाने जाएंगे? दोस्तों, इस मामले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। जाहिर है अगली तारीख से पहले ही शिंदे फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे क्योंकि अगले एक दो दिन में है। लेकिन ये मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट में जा चुका है और जब मामला कानूनी हो जाता है दोस्तों, तो बहुत हद तक कब पासा पलट जाए, कब कोर्ट कौन सा ऑर्डर दे दे, वो एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके अलावा ना उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते जाते मुस्कुराते हुए रिपोर्टरों से एक बात भी कही। उन्होंने कहा, अगर मेरे साथ जो वादा किया था उसके आधार पर सरकार बनाते तो 2.5 साल तक बीजेपी का मुख्यमंत्री होता। अब तो पूरे 5 साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो उद्धव ठाकरे भी खुद ही कह रहे हैं कि सारी बात घूम कर वहीं पर आ गई जहां से शुरू हुई थी। जिस बात पर बीजेपी शिवसेना अलग हुए थे, क्या थी? यही ना कि शिवसेना कह रही थी कि 2.5 साल आपका सीएम, 2.5 साल हमारा सीएम। अंत में बीजेपी ने किया तो वही, बस अब दिक्कत यह है कि 2.5 साल जो सीएम उनका बनना था वो बनेगा ही नहीं। अगले 2.5 साल केवल उनका डिप्टी सीएम बनेगा, वो भी वो जो कभी अपने दौर में सीएम रह चुके हैं। आप उद्धव ठाकरे की इस दलील से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।